दोस्तों, अगर आपको आपके क्लोजेट में, वार्डरोब में या फिर कबर्ड कैबिनेट्स में ऐसी ऑटोमेटिक लाइट लगानी है जैसे दरवाज़ा ओपन करते ही लाइट्स ऑन हो जाएंगी, दरवाज़ा क्लोज करते ही लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, तो माय फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए ही है। ये देखो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है अजिंक्य और आज मैं आपके लिए लाया हूँ 12 वोल्ट से 24 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाले ऑटोमेटिक वार्डरोब लाइट सेंसर्स। ये देखो, पहले दिखते बहुत ही छोटे हैं लेकिन ये काम बहुत ही परफेक्टली करते हैं। बेसिकली ये एक आयर सेंसर है और इसका वर्क बहुत ही सिंपल है। जैसे ही इसके सामने कोई ऑब्स्टेकल आता है, आउटपुट ऑफ हो जाता है, और जैसे ही ऑब्स्टेकल हट जाता है वैसे ही आउटपुट ऑन हो जाता है। और यहाँ पर ऑब्स्टेकल से मेरा मतलब है दरवाजा, फिर वो कैबिनेट का हो सकता है, क्लोजेट का हो सकता है, या वार्डरोब या कबर्ड का भी हो सकता है। अगर आपके पास स्लाइडिंग वार्डरोब हो या नॉर्मल वार्डरोब हो, कोई टेंशन नहीं है, ये चल जाए। तो आज मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस, वायरिंग, वर्किंग कैसे करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, बहुत ही सिंपल इजी वे में आपको समझाने वाला हूँ। इसे ऑपरेट करने के लिए दोस्तों हमें सिर्फ एक 12 वोल्ट का पावर सप्लाई लगेगा एसी पिन के साथ। आउटपुट में 12 वोल्ट की एलईडी आप लगा सकते हो, 12 वोल्ट से 24 वोल्ट आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप 24 वोल्ट की एलईडी लगा रहे हो तो मेक श्योर कि आपका पावर सप्लाई भी 24 वोल्ट का ही होना चाहिए। तो एलईडी के लिए मैंने सिंपल 12 वोल्ट की एलईडी ली है और उसे लगाया है ये पिन। ये सॉकेट आपको लोकल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसके स्पेसिफिकेशंस में आपको बता देता हूँ। जैसे पहले मैंने बताया, 12 वोल्ट से 24 वोल्ट डीसी पर ये चलता है। और अगर हम आउटपुट की बात करें तो 12 वोल्ट पर 36 वाट तक ये आउटपुट देगा और वही 24 वोल्ट पर 72 वाट तक आउटपुट देगा। इसमें ये जो इनपुट लाइन है वो है 140 mm लंबी और ये जो आउटपुट लाइन है वो है 180 mm लंबी। ये दोस्तों आयर सेंसर होने के कारण इसकी जो सेंसिंग रेंज है वो है 30 to 200 mm, यानी 3 to 20 सेंटीमीटर तक ये सेंसिंग रेंज देता है, अच्छी खासी। और एप्लीकेशन की बात करें तो आपको पता ही है, वार्डरोब, कबर्ड, कैबिनेट्स, क्लोजेट्स, जहां चाहे आप लगा सकते हो। जहां पर भी दरवाजा हो, क्लोज कंटेनर हो और आपको लगता है कि लाइट की जरूरत है, वहां आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। इसके साथ आपको एक 3M की डबल साइडेड टेप भी मिल जाएगी, तो इसको सिर्फ आपको पील करना है, इस पर चिपकाना है और इसे वार्डरोब में जहां पर भी चाहे आप चिपका सकते हो। ये अभी मैं आपको कैबिनेट में इंस्टॉल करते समय दिखा दूंगा। तो इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जैसा मैंने पहले कहा कि आपको एक 12 वोल्ट का एडाप्टर लगेगा, तो हम क्या करेंगे, 12 वोल्ट का जो एडाप्टर है उसे लगा देंगे यहाँ इनपुट में, लगा दिया है। और आउटपुट के लिए जैसा मैंने कहा, मैंने एलईडी 12 वोल्ट की एलईडी यूज़ की है और उसे ये पिन लगाई है, तो सिंपली मैं इसे लगा देता हूँ यहाँ। ये ऑन हो गया क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, ऑब्स्टेकल लगाता हूँ। ये देखो, ऑफ हो गया, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन। डिस्टेंस आप देख सकते हो, ऑफ, ऑन, ऑन। दोस्तों मैं वापस एक बार बोलता हूँ, आयर सेंसर होने के कारण आपको एक खास ख्याल रखना है, वो ये कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो जितना ब्राइट होगा उतना अच्छा रेंज आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई डार्क ऑब्जेक्ट लेते हो तो रेंज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ये देखिए कम हो गई है। और अगर आप कोई ब्राइट ऑब्जेक्ट लेते हो तो जो रेंज है वो बढ़ जाती है, देखिए, गेट इट। तो इसको यहाँ पे लॉक करके रखो, आपको समझ रहा है डिफरेंस, राइट? तो जहाँ पर भी आप इसे लगाओगे उसके सामने एक व्हाइट कलर या सिल्वर कलर की टेप लगा सकते हो, आपको बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलो अभी इसे इंस्टॉल करते हैं हमारे कैबिनेट में, एंजॉय। तो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको भी आपके कैबिनेट्स में लगाना है तो आप लगा सकते हो। इसका वर्किंग, इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है। इस प्रोडक्ट की दोस्तों जेन्युइन परचेस लिंक अभी तक मेरे पास नहीं आई है, जैसे ही आती है वैसे ही मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिन लोगों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, और जिन लोगों ने नहीं किया है कोई टेंशन नहीं है, ऐसी कुल वीडियोज़ में हमेशा आपके लिए आते रहूँगा।